फ्रेंड्स, अभी देखो हम लोग हम्पी के द्वार पे पहुंच गए हैं, लेकिन आज हम लोग हम्पी सिटी नहीं जा रहे हैं, हम लोग अंजनाद्री पर्वत की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आते आते यहाँ पे हम लोगों को दोपहर हो गई है और आधे दिन में हमारा जो घूमना है वो पॉसिबल नहीं है, कवर नहीं हो पाएगा। तो कल हम लोग हम्पी की तरफ जाएंगे और आज हम लोग अंजनाद्री पर्वत की तरफ जा रहे हैं और वहाँ से फिर तुंगभद्रा डैम है, वहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं। आप गाइड हैं? ओके। कितना चार्जेस है आपका? 2200। आपके गाड़ी में हम लोग को घुमाएंगे या आप हमारे साथ घूमेंगे? हमारे साथ ले सर। अच्छा, लेकिन 2200 तो बहुत बोला, हम लोग फॉरेनर नहीं है। ये फॉरेनर का रेट बोला आपने? अगर रिजनेबल रेट में आते हैं मुझे कॉल कीजिए। तो फ्रेंड्स, अभी आपने सुना होगा कि यहाँ पे गाइड का रेट जो है एक दिन का 2500 बोल रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग जिस होटल में ठहरे हैं वहाँ पे हम लोगों को बोला गया कि 1000 में भी मिलता है, 800 में भी मिलता है। विजयनगर महाद्वार में आपका स्वागत है। तो अभी आपको दिखाई दे रहे होंगे कि जो पत्थर है, बड़े बड़े पत्थर, वो सब एक के ऊपर एक ऐसे कुछ जगह पे रखे हुए दिख रहे हैं। देखने से ऐसा कभी कभी लगता है कि भाई किसी ने जानबूझ के उठा के रखे है क्या। ये देखो, किसी एक के ऊपर एक रखे बराबर। वहाँ पे भी देखो, यहाँ पे मैंने बहुत जगह पे ऐसा ही देखा कि एक छोटा सा हिल रहेगा और उसके ऊपर ऐसे पत्थर पड़े हैं या रखे हैं, ऐसा दिखता है। पता नहीं अभी एक कैसे हुआ है, क्या हुआ है। ऑन द वे टू अंजनाद्री पर्वत हम लोगों को ये रेस्टोरेंट मिला, स्पाइकी स्पॉट करके। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या कुछ अलग लगा हम लोगों को। सबसे पहला तो ये देखिए, कुछ कुटिया बनाई हुई है, ये बम्बू से और घास से बनाई है। ये देखिए, ये ऐसा बनाया है और बाजू में मस्त खेती है। और दूसरी एक ख़ास बात ये है कि ये देखिए, एक लकड़े का घर बनाया है बैठने के लिए, ग्राउंड प्लस वन है। और यहाँ पे कुछ फैमिलीज भी हैं आई हुई, वो भी बैठी है। देखिए ये नीलेश यहाँ पे बैठा है। नीलेश कैसा लगा? मस्त है, बढ़िया बढ़िया लोकेशन ढूंढ निकाला तूने। चलो तो खाने का ऑर्डर आ गया है। स्पाइसी लग रहा है देख के। ऊपर एक मिर्ची है, कौन खाएगा मिर्ची? आधा आधा ले दे अभी। अरे दोस्तों, अभी समय हो रहा है 3:05 और खाना खाने के बाद हम लोगों ने एक 10-15 थोड़ा रेस्ट ले लिया और हम लोग निकले अभी अंजनाद्री पर्वत की तरफ। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सब पत्थर पत्थर है। मैंने थोड़ी देर पहले जिस बात का जिक्र किया था कि ऐसा लगता है कि मानो ये पत्थर किसी ने रखे हैं जानबूझ के, ऐसा सब दिखता है। और रोड भी बहुत अच्छा है, कॉर्नरिंग करने के लिए मज़ा आ रहा है। ठीक है, पत्थर की खान है क्या? ऐसा लग रहा है यहाँ से काट काट के पत्थर निकाले हैं, कुछ ऐसा ही दिख रहा है मुझे तो। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कैसे पत्थरों को कट कट करके निकाला है। ब्रिज भी आ गया, वहाँ पे ब्रिज है, वहाँ से हम लोगों को जाना है। ये देखिए क्या है, ये कैसे काट के पत्थर को निकाला है। देखिए ये पूरा काटा हुआ है, वो अंदर भी काटा है। वहाँ पे एक लेडी है, वो भी कुछ निकाल रही है, ऐसा दिख रहा है मुझे। आप देख सकते हैं ये पूरा पत्थर है। चलो आगे बढ़ते हैं, नीलेश ऑलरेडी आगे गया है। वो देखो वहाँ पे नीलेश रुका है।
मैं थोड़ा ये व्यू आपको ऊपर से दिखाता हूँ। ये देखिए, चलो नीलेश चलते हैं। फाइनली हम लोग अंजनाद्री हिल्स के नीचे आ गए हैं और ये जो है यही अंजनाद्री हिल है, वो ऊपर है, वो मंदिर है और ये रास्ता दिख रहा है। यहाँ से अंदर ऊपर जाना है और जो लोकल लोगों से बात की तो उनसे पता चला कि 535 ऐसा कुछ तो स्टेप्स है। अगर ज़्यादा समय लगता होगा तो मे भी हम लोग नीचे से ही वापस जाएंगे। बाइक पार्क हो गई है नीचे। फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि ऊपर जाके आएंगे। 335 को हमने स्टार्ट किया है। यहाँ पे स्टेप्स अच्छे बनाए हुए हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और आप देख सकते हैं कि ऊपर जो रूफ भी बनाया हुआ है, तो जो श्रद्धालु दोपहर के समय आते हैं उनको धूप का सामना ना करना पड़े। तो ऑलमोस्ट 450 स्टेप्स हम लोग ऊपर आए हैं। यहाँ पे लिखा है देखिए 450 स्टेप्स। ज़्यादा कुछ दिक्कत तो नहीं हुई हम लोगों को। हम लोगों ने एक 2-3 मिनट का एक ब्रेक ले लिया था पानी पीने के लिए। यहाँ से देख सकते हैं नीचे का एरिया, वो जो दिख रहा है वहाँ पे पार्किंग है। हम लोगों ने बाइक वहीं पे पार्क की है। ये इस बड़े से पत्थर के नीचे से जाना है झुक के, क्या बात है। ये देखिए कहाँ से रास्ता है। ओह माय गॉड, 570 स्टेप्स। और फाइनली हम लोग टॉप पे पहुंच गए हैं। जिसको भी कन्नड़ा आता है बताए क्या लिखा है। दर्शन लेने से पहले हम लोग बाहर का नज़ारा देखते हैं। फोटोग्राफी नॉट अलाउड करके लिखा है वहाँ पे, तो अंदर जाते समय मैं शूट नहीं कर पाऊँगा। दोस्तों अभी इस मंदिर में हम जहाँ से आए थे वो रास्ता वो साइड से आ रहा था और मैंने कुछ देखा कि कुछ लोग यहाँ पे घूम रहे थे, तो मैं भी थोड़ा आगे आया तो वहाँ पे मुझे एक बोर्ड दिखाई दिया कि मूल रास्ता करके। तो मैं बोला चलो देखता हूँ क्या है। तो जो मूल रास्ता था वो शायद यही था और जो अभी हम लोग जहाँ से ऊपर आए वो बाद में बनाया हुआ रास्ता है। ये देखिए यहाँ पर भी कुछ कॉन्क्रीट का रास्ता बनाया है लेकिन ये जो रास्ता है वो ये ओरिजिनल रास्ता है। ये देखिए कितना बड़ा पत्थर है इस साइड में। हम थोड़ा आगे जाके देखते हैं क्या है। यहाँ पे पानी का कुंड है लेकिन ये नेचुरल सोर्स नहीं लगता मुझे, क्योंकि यहाँ पे देखिए पाइप डाला हुआ है, पाइप से पानी यहाँ छोड़ा जाता है ऐसा लग रहा है। दोस्तों ये जो व्यू आप देख रहे हैं जो तुंगभद्रा डैम है उसके नीचे का ये व्यू है। एक बड़ा सा गार्डन है, वहाँ पे पावर प्लांट भी है। ये जो है डैम है, डैम का वॉल है। सनसेट होते हुए हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। वेदर थोड़ा फॉगी है इसलिए विजिबिलिटी उतनी क्लियर नहीं है, तो जो बैक वाटर है हम दूर तक देख नहीं पा रहे लेकिन यहाँ से हम लोग वॉल देख सकते हैं। ये देखिए ये जो है ये ब्रिज है तुंगभद्रा रिवर के ऊपर। यहाँ पे एक ब्रिज है और एक ब्रिज ये यहाँ पे है। ये बेंगलोर हाईवे है।
यहाँ पे बहुत सारे विजिटर्स आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। अभी हम लोग नीचे आए हैं जहाँ पे डैम का वॉल है वहाँ पे, और ये यहाँ से जो व्यू दिख रहा है ये ऐसा है। अभी सनसेट हो गया है, लाइट ज़्यादा नहीं है, अंधेरा है, इसलिए आपको उतना क्लियर नहीं दिखता होगा, लेकिन जो भी कुछ पॉसिबल है मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो है फ्रंट व्यू है डैम का, और आई थिंक सो यहाँ पे जो कुछ शेड दिख रहा है बड़ा सा, ये पावर जनरेशन यूनिट हो सकता है। नीचे अच्छा सा गार्डन है, लेकिन वो गार्डन में जाने के लिए शायद अलाउ नहीं है। और ये जो दिख रही है एक क्रेन है, एक मूवेबल क्रेन है, ये थ्रू आउट जो वॉल है उसमें रन होती है, जैसे रेलवे के लिए ट्रैक होता है वैसा ही इसके लिए भी एक ट्रैक है, और वो ट्रैक के ऊपर से वो रन होती है, मेंटेनेंस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। दोस्तों तो अभी शाम हो गई है और हम लोगों का जो टाइम था यहाँ पे विजिटिंग का वो भी ख़त्म हो रहा है। मैं ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कुछ कमेंट है तो वो भी, उसके लिए भी वेलकम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।